जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच में पहले T20 मुकाबले से मात्र एक दिन पहले ही बदली भारतीय प्लेइंग 11 टीम। BCCI ने किया बड़ा ऐलान, ये खिलाड़ी हुए भारतीय टीम में से बाहर। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार जो कल यानी कि 12 मार्च को पहला T20 मुकाबला खेले जाने वाला है, तो उसके लिए कौन सी भारतीय टीम आप सभी को मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी उसी के बारे में। तो दोस्तों आप सभी खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वही दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आक्रामक अंदाज में T20 सीरीज खेलने को रोहित शर्मा है तैयार। BCCI ने रोहित शर्मा को सौंपा ये खास पद, अब दिखाएंगे अपना जलवा। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। और वही जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, IPL 2021 से पहले BCCI को लगा ये बड़ा झटका, 6 साल में पहली बार हुआ कुछ ऐसा कि जानकर पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद अब T20 मैचों की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में होने वाली 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार यानी कि 12 मार्च को खेला जाएगा। तो वहीं ऑन मॉर्गन की नेतृत्व वाली इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने उतरेगी। तो वहीं टीम इंडिया के सामने टेस्ट के बाद T20 सीरीज पर भी कब्जा जमाने का लक्ष्य है। तो वही हम आपको बताएं कि T20 सीरीज के सभी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाए जाएंगे, जहां पर टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 से हराने वाली भारतीय टीम के लिए T20 सीरीज में उसे हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम T20 रैंकिंग में टॉप पर है और उसे हराने के लिए भारत को मजबूत टीम चुननी होगी। और वही हम आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा अहम होने वाली है। उम्मीद कर सकते हैं कि भारत पहले 3 मैचों में ज्यादा प्रयोग ना करे और पहले 3 मैचों के लिए वो मजबूत टीम उतार सकती है। और वहीं इस सीरीज को अपने नाम करने के बाद ही टीम के साथ प्रयोग देखने के लिए आप सभी को मिल सकते हैं। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऋषभ पंत को पहले T20 मैच में उतरना तय माना जा रहा है, जहां पर पंत के आने से ऑस्ट्रेलिया में विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालने वाले KL राहुल को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय टीम के गेंदबाजों की, तो दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से 8वें नंबर पर आप सभी को अनुभवी भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनकी टीम में 1 साल बाद वापसी होगी। तो वहीं जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में गेंदबाजी का दारोमदार उन्हीं के कंधों पर होगा, तो वहीं टीम को उनसे शुरुआती सफलता दिलाने की उम्मीद होगी। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार पिछले कई वर्षों से टीम के लिए ये रोल अदा करते आए हैं और इंग्लैंड सीरीज में भी उन्हें इसे निभाना पड़ सकता है। तो वहीं बात करें अगले खिलाड़ी की, जो दोस्तों अगले खिलाड़ी होंगे वो होंगे शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर, जो कि भुवनेश्वर कुमार का बखूबी साथ निभाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं 11वें नंबर पर युजवेंद्र चहल का नाम प्लेइंग 11 टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते हुए मध्यम क्रम की, तो दोस्तों मध्यम क्रम में जो आप सभी को बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई देंगे 3रे नंबर पर, वो होंगे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन के साथ पारी का आगाज करने वाले KL राहुल को 4थे नंबर पर इस बार BCCI का उतारने का प्लान माना जा रहा है। तो वहीं बात करें 5वें नंबर की, तो दोस्तों 5वें नंबर पर ऋषभ पंत का नाम टीम के साथ जोड़ा जा रहा है। तो वहीं 6ठे और 7वें नंबर के लिए 2 ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया जाएगा, जहां पर हार्दिक पांड्या का 6ठे नंबर पर खेलना तय है। तो वहीं 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में जगह मिल सकती है। और वहीं बात करें टॉप ऑर्डर की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में आप सभी को भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा का साथ देते हुए शिखर धवन नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आइए अब हम आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बता देते हैं, जहां पर प्लेइंग 11 भारतीय टीम के कुछ इस प्रकार से है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और युजवेंद्र चहल। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी भारतीय प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को मैदान पर नजर आने वाली है। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये प्लेइंग 11 टीम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इस महामारी के कारण IPL की ब्रांड वैल्यू में दर्ज हुई गिरावट, 6 साल में पहली बार हुआ कुछ ऐसा, लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू में पिछले 6 वर्षों में पहली बार गिरावट देखने के लिए मिली है,
जहां पर डफ एंड फिलिप्स की रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा किया गया है कि आईपीएल की इकोसिस्टम वैल्यू 2020 में 3.6% घटी है। तो वहीं वैश्विक महामारी के कारण साल 2020 में आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा था और दुनिया में इसकी वजह से खेल गतिविधियां ठप पड़ गई थी और तथा कई टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा था, जहां पर इस महामारी का असर आईपीएल पर भी पड़ा। और वार्षिक आईपीएल स्टडी के अनुसार पिछले साल आईपीएल इकोसिस्टम वैल्यू 2019 में 47,500 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 45,800 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 3.6% का पूरा घाटा देखने के लिए मिला है। तो इसमें दोस्तों आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को काफी तगड़ा नुकसान हुआ है। बाकी आपकी क्या राय है आईपीएल को लेकर, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एशिया कप का आयोजन इस साल बिल्कुल होना तय है, लेकिन भारतीय टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गई। और ऐसे में पहले तो खबरें निकल कर आ रही थी कि एशिया कप को इस बार कैंसिल किया जाएगा, लेकिन अब ये खबर पक्की है कि एशिया कप 2021 का आयोजन इसी साल करवाया जाने की इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अतिरिक्त दो नई टीमें भी शामिल होती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में दोस्तों अब हर किसी की निगाहें एशिया कप 2021 पर होगी, क्योंकि उसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी एक बार फिर से मैदान पर खेला जाता हुआ दिखाई देगा, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं दोस्तों एशिया कप 2021 को लेकर बीसीसीआई के अधिकारी ने काफी बड़े बयान दिए, जहां पर उन्होंने बताया कि एशिया कप के मुकाबलों को श्रीलंका में आयोजित करवाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बात करते हुए ये भी बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला जून में खेला जाने वाला है और ऐसे में भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले 14 दिन के सख्त क्वारंटाइन पीरियड में रहना होगा इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए। तो वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने बोला कि इस बार के जो एशिया कप के मुकाबले होंगे वो कुछ अलग ढंग से करवाए जाएंगे। तो वहीं इस बार एशिया कप का आयोजन जून से जुलाई के बीच में होना तय है। और इसी बीच उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि जिस बार जो एशिया कप का आयोजन होगा वो जून के अंत में होता हुआ दिखाई देगा, जहां तक है कि एशिया कप का पहला मुकाबला 28 जून को टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी। तो इसी बीच उन्होंने आगे बात करते हुए बोला कि बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वो इस बार दौरे पर दो अलग अलग टीमों का आयोजन करेंगी, जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ एक अलग टीम उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया कप में भारतीय टीम कुछ अलग तरह से होगी। तो आइए चलिए अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार बीसीसीआई जिस टीम के बारे में प्लानिंग कर रही है वो किस हिसाब से है। तो दोस्तों यहां पर जिन खिलाड़ियों को गेंदबाजी में शामिल किया है एशिया कप 2021 के लिए, उसमें शामिल हैं राहुल तेवतिया, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र, तो वो आप सभी को नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार जो एशिया कप 2021 के मुकाबले खेले जाने वाले हैं उसमें भारतीय टीम विजय हासिल कर एशिया कप को भारत ला सकेगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार, हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।